हेलो फ्रेंड्स, मैं किरण अज इस वीडियो जरिए तुहानू अप्रेंटिसशिप बारे दसन जा रही हाँ। क्योंकि पहला मैं थोड़े दिन पहला अप्रेंटिसशिप बारे वीडियो पाई सी, तां बच्चों की डिमांड सी कि वह हिंदी सी, बच्चे कहिंदे सानू पंजाबी विच वीडियो दो, तो मैं तुहानू पंजाबी दे विच वीडियो दसन जा रही हाँ वीडियो राही कि अप्रेंटिसशिप की है, तुसीं किहड़े ढंग नाल अप्रेंटिसशिप लगा सकते हो। मोस्टली आई टी तो बाद बच्चों की अप्रेंटिसशिप लगती है। यदि अप्रेंटिसशिप है भी पोस्टा तरह ही होंगी है, जिमें कि अपने जॉब दिन पोस्टा निकलदियां ने, इस तरह ही अप्रेंटिसशिप दी भी पोस्टा निकलदियां ने। तुसीं अगर आई टी की हुई है, तुसीं अप्रेंटिसशिप लगाओगे, तुहाडे कोल प्रूफ होगा भी तुसीं ए वाली आई टी की हुई है, तुसीं अप्रेंटिसशिप लगाई हुई है, तो जो तुसीं फ्यूचर के कितने जॉब लगते हो तो तुहाडा ही प्लस पॉइंट हो जाता है, तुसीं अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट दिखाते हो। जिहड़ी अप्रेंटिसशिप है यह दो जगह लगती है, जां तां रेलवे दे विच जां ऑर्डनेंस फैक्टरी दे विच। तां हुण तुहानूं दसांगे भी जे तुसीं रेलवे दे विच जाके अप्रेंटिसशिप लगाते हो तां उहदे की बेनीफिट हुंदे ने, ते अगर तुसीं ऑर्डनेंस फैक्टरी 'च लगाते हो तां उहदा की प्रोसैस है ते उहदे की बेनीफिट होणगे। अगर तुसीं रेलवे दे विच जाके अप्रेंटिसशिप अपनी लगवाते हो तां उत्थे भी मैरिट बेस ते ही लिस्ट बनती है, अते ऑर्डनेंस फैक्टरी दे विच भी मैरिट बेस ते ही लिस्ट बनती है। अगर तुसीं रेलवे दे विच अप्लाई किया है तां उत्थे तुहाडी जिहड़ी मैरिट लिस्ट है उहदे विच 30% नंबर तुहाडे 10वीं दे चक्के जाणगे, अते 70% नंबर आई टी दे, वो बेस से थोड़ी मैरिट लिस्ट बनेगी, तो मैरिट के हिसाब ना तो जाके थोड़ी एडमिशन होएगी, तो तुम्हें वह जॉब मिलती है अप्रेंटिसशिप के तौर पर। अगर तुम ऑर्डनेंस फैक्टरी के जाके अप्लाई करते हो तो उत्थे तुहाडी 10वीं की अलग मैरिट लिस्ट बनती है, तो आई टी की अलग बनती है, क्योंकि कुछ 10वीं तो बाद भी बच्चे अप्रेंटिसशिप लगवाते हैं, तो 10वीं वाले की मैरिट लिस्ट अलग होंगी है, तो आई टी वाले की अलग बनती है, तो फिर तुम अप्रेंटिसशिप लिए अप्लाई कर सकते हो जो थोड़ा मैरिट लिस्ट के नाम आता है। उस तो बाद अगे आता है सैलरी, जो तुम अप्रेंटिसशिप लगाते हो तो थोड़ी बहुत सैलरी भी मिलती है। तो ये जे तो रेलवे जाके थोड़ी अप्रेंटिसशिप लगी लगी हुई है तो तुम्हें रेलवे के जो सैलरी मिलेगी वह होगी 6,000 to 7,000 rupees महीना। तो अगर तुम ऑर्डनेंस फैक्ट्री के अप्रेंटिसशिप लगे हुए हो तो उड़ी सैलरी 9,000 to 9,500 rupees हो सकती है। बट अगर तुम आई टी नहीं की हुई, 10वीं की हुई, इकली 10वीं के तौर पर अप्रेंटिसशिप लाई हुई है, तो थोड़ी सैलरी 9,000 to 9,500 rupees घट हो सकती है, मीनस कि 8,000 to 8,500 rupees हो सकती है। तो उस तो बाद अगे आता वर्क टाइम, मीन कि तुम डेली किन्ने घंटे काम करना है। जे तुम रेलवे के अप्रेंटिसशिप लगवाई है उत्थे तुहानू 7 to 8 hours काम करना पै सकता है, ऑर्डनेंस फैक्टरी के भी यदा टाइम सेम है, मीनस के 7 to 8 hours तुहानू इधर भी काम करना पै सकता है। उस तो बाद अगे है जी तुहाडी ट्रेनिंग का टाइम, जिहड़ी तुहाडी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लगी हुई है इहदा टाइम किन्ना होएगा। जे तो तुसीं रेलवे दे विच अप्लाई किया होया अप्रेंटिसशिप लई, उत्थे तुसीं अप्रेंटिसशिप लाई हुई है तो उत्थे तुहाडी जिहड़ी ट्रेनिंग है, जे तो तुसीं सारे ट्रेड वाले जिहड़े आई टी वाले ने उहनां दी 1 साल की ट्रेनिंग लगती है अप्रेंटिसशिप की, तो अगर तुसीं मकैनिक डीजल का कोर्स किया होया उस तों बाद अप्रेंटिसशिप लगी हुई है तो उहदी 2 साल की होंदी है, बाकी सारिया ट्रेड्स की 1 साल की होंगी है, मकैनिक डीजल की 2 साल की होंगी है। तो उस तो बाद अगर तुसीं ऑर्डनेंस फैक्टरी के अप्लाई किया होया है उत्थे जाके तुसीं अप्रेंटिसशिप लगाई हुई है तो उत्थे तुहाडी 3 साल की ट्रेनिंग लगती है, मीनस कि इतने वध समा लगता है ऑर्डनेंस फैक्टरी के विच, रेलवे के विच घट समा लगता है। मीनस अगर तुहाडी एज ज़्यादा है तो तुसीं जल्दी अप्रेंटिसशिप लैना चाहते हो भी तुहानूं साल बाद अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिल जाए तो तुहानूं रेलवे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जिन्हां की एज ज़्यादा है तो ऑर्डनेंस फैक्टरी के विच 3 साल वध होर लगणगे, तो डेफिनेटली तुहाडी जो एज है वो 3 साल होर वध जाएगी, तो तुहाडी जिहड़ी जॉब लैण की अपॉर्चुनिटी है वो 3 साल घट जाएगी। तो डेफिनेटली तुसीं की करोगे, ज़्यादा रेलवे अप्लाई कर लोगे जिन्हां की एज ज़्यादा है, क्योंकि तुसीं 1 साल के बाद ही अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट लै सकते हो। उस तो बाद अगे है जी जॉब अपॉर्चुनिटी, जिहड़े ये दोनों सर्टिफिकेट तुहानू मिलते हैं, चाहे तुसीं रेलवे चो लै रहे हो चाहे तुसीं ऑर्डनेंस फैक्ट्री चो लै रहे हो, इहदा जॉब अपॉर्चुनिटी का कोई संबंध नहीं है, तुहानू इह जस्ट सर्टिफिकेट मिलता है तुहाडी अप्रेंटिसशिप लगी हुई है। इन फ्यूचर तुसीं अप्रेंटिसशिप लगा लेंदे हो तो उदू बाद तुसीं कितने भी जॉब लिए अप्लाई करते हो तो उत्थे जाके तो तुसीं अपना सर्टिफिकेट दिखाते हो तो तुहाडा प्लस पॉइंट हुंदा वी हाँ बच्चे नूं अपनी ट्रेड नाल संबंधित नॉलेज है, तो इन्हें अप्रेंटिसशिप लगाई हुई है, इन्हूं प्रैक्टिकल नॉलेज आती है, तो डेफिनेटली तुहानू जॉब ईजली मिल जाती है। बट अगर तुसीं रेलवे के थ्रू की हुई अप्रेंटिसशिप तो RRC दी पोस्टां दे विच तुहानू 20% कोटा मिल जाता है, बट ऑर्डनेंस फैक्टरी जी कोई फैसिलिटी नहीं है। तो यह सारा की है अप्रेंटिसशिप का सारा जो डाटा तुम्हें मैं शेयर कर चुकी हूँ, अप्रेंटिसशिप किवें लगा सकते हो तो कितने कितने लगती है, तो की बेनीफिट ने, की प्रोसैस है। इस तो अलावा होर कोई जानकारी चाहते हो तो तुम पिछले दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, गल कर सकते हो, तो इस वीडियो अगे शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।